महादेव जी की इतनी बड़ी मूर्ति। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द आर्मी मैन संजय में। तो आज हम लोग, देखिए हम हैं अभी भीमताल से आगे और आज हम जा रहे हैं डोल आश्रम जा रहे हैं। तो और ये भीमताल वाला रूट जो आप आगे को देख रहे हैं, ये सीधे को चले गया अल्मोड़ा की तरफ और यहाँ पर से हम राइट को कट जाएंगे, यहाँ से राइट को अब फिर जाएंगे। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होगा डोल आश्रम। दिखाते हैं आपको रास्ते में, इसमें हमारे योगी भाई और विक्की भाई हैं और पनेरू जी हैं और ये हैं गोकुल जी, वही सफ़ेद खरगोश जो बोल रहे थे जिसकी डिलीवरी हमने ली थी। हम लोग पहुंचे चाफी में और यहाँ भी सुंदर से नजारे हैं और यहाँ भी कैंपिंग वगैरह का सेटअप पूरा बना रखा है गाड़ के किनारे और रोड एकदम जबरदस्त। और ये है चाफी का एरिया, देखिए पूरा एरिया जबरदस्त। और मौसम बिल्कुल जबरदस्त हो रखा है, बादल लगे हैं और बारिश भी आ सकती है शायद आज। एकदम से प्यारा सा सीन चाफी गांव का और ये पूरी जबरदस्त रोड और ये आगे का एरिया। ये पर्वत देखे सामने, इस गांव में पूरी सब्जियां वगैरह जो आप ये गर्म पानी में पूरे फ्रूट वगैरह देखते हैं सब इधर से जाती हैं। पूरी गोभी वगैरह लगी है, इतने जबरदस्त। और पॉली हाउस देखे सामने पे ये सारे। तो देखिए दोस्तों ये है, अब देखिए सामने पे व्यू आप, ये पूरी खेती है लोगों की। देखिए यहाँ बीच में नदी बहती है, नदी के पानी की वजह से यहाँ इतना ज़्यादा यहाँ पे साग सब्जियाँ उगाई जा रही हैं। पॉली हाउस आप चारों तरफ देख सकते हैं इसके, और इतना शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से जबरदस्त। ये है जगह धारी नाम की, क्योंकि यहाँ के लोग होते हैं बहुत भारी, नाम पड़ा इसीलिए इसका धारी। अभी हम लोग आए थाना चूली में, इधर ही बैठते हैं साहब, यहीं खड़ी कर दो। हाँ इधर तो मित्रों, और हम लोग पहुंचे थाना चूली में और इस रेस्टोरेंट में हम करेंगे नाश्ता। तो और फिर निकल चलेंगे आगे की तरफ। और ये हैं भाई लोग तो हाँ भाई साहब आप हालांकि आज बता ही दो लड़कियों की क्या क्या है डिमांड, क्या क्या चल रही है आज। हरीश पनीर ज्यादा अच्छे से जानते,
मैं तो ये कह रहा हूँ कि आजकल की लड़कियों के काफी करीब है, तो उनकी बातें बहुत अच्छे जान करीब यार। फिलहाल तो मैं एक भी नहीं, दो भी नहीं, पांच लड़के करीब। सबसे छोड़ी मैं पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ, बाकी हम तो सब गरीब है, तू ही करीब है दोस्त। जो मैं वहाँ गरीब हो रहा हूँ ना, तभी तो पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ। तो कर रहे हैं हम लोग नाश्ता, नाश्ते में देखिए हमारा छोटे अचार आलू प्याज का पराठा और चाय, और नाश्ता करेंगे हम उसके बाद निकल चलेंगे। ये देखिए अब आ गए हम थाना चुली से आगे को, भीषण जंगल चारों तरफ, कहीं बाहर होता भाई साहब, ये तो सोच कर भी छोड़ देने भी इच्छा। तो हम लोग पहुंच गए दोस्तों पहाड़ पानी में, ये है पहाड़ पानी का एरिया, बांज फल्याट बुरूज देवदार ये सारे जंगल हैं इधर पे, और मौसम एकदम से ज़बरदस्त, हल्द्वानी की गर्मी छोड़ के यहाँ पे ठंडाई का अनुभव हमें हो रहा है। तो दोस्तों ये देखिए डोल आश्रम का ये जो गेट है, यहाँ से एंट्री गेट है और इधर से ही करेंगे हम प्रवेश, और अभी बन रहा है देखिए बहुत ही शानदार विशाल गेट बन रहा है ये। तो आए हम लोग आश्रम के गेट में और बाहर से ही दिखाएंगे आपको, बस यहाँ पर से अंदर, उसके बाद वीडियोग्राफी नहीं होती है, जहाँ तक होगी तहाँ तक दिखाएंगे। तो ये है मुख्य प्रवेश द्वार और देखिए ये आपको पढ़ा देता हूँ मैं, महादेव जी की इतनी बड़ी मूर्ति, पूरा कैलाश पर्वत बना के रखा है यहाँ पे, और ये है पार्किंग यहाँ की। अब देख लीजिए एक बार से, हैं तो एक बार देख लीजिए, ये है लॉकर सुविधा यहाँ पे, और ये सामने मंदिर है, हम यहीं जाएंगे अब, यहाँ पर हम अपना मोबाइल कर देंगे जमा। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको सामने पे, फोटो खींच लो यहाँ पे एक बार ये। तो दोस्तों जो ये मंदिर है, मंदिर क्या, जो डोल आश्रम बोला जाता है, यहाँ माता त्रिपुरा सुंदरी का श्री यंत्र रखा हुआ है, जो कि 16 क्विंटल भारी है और अष्ट धातु से बना हुआ है, और पंडित जी बता रहे थे कि माता त्रिपुरा सुंदरी ही जगत जननी है, जगत की उत्पत्ति उन्हीं से हुई है और उनसे ही भगवान विष्णु महेश जी की भी उत्पत्ति हुई है। और जो आप ये सामने देख रहे हैं, ये देख रही है संस्कृत विद्यापीठ है, ये गुरुकुल है, और यहाँ गुरुकुल में ये शिक्षार्थी पढ़ते हैं। देखिए यहाँ ये दो जो शिक्षार्थी हैं, ये इनकी वेशभूषा गणवेश जिसे बोला जाता है, और ये ऐसे कुछ पहाड़ियों से घिरा हुआ ये आश्रम है। मैं आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए ये, और ये गेट, तो दोस्तों कर लिया हमने मंदिर दर्शन आश्रम दर्शन, तो अब हम चलते हैं वापस, अब देखते हैं अभी कहाँ की तरफ जाते हैं हम। और ये देखिए पूरे काफल लगे होंगे, काफल से भरा हुआ लदा लद एकदम से, ये पेड़ देखिए, ये शायद आपको काफल देखिए। तो मित्रगढ़ हम आ गए हैं देखिए वापस, ये व्यू पॉइंट पे आए जहाँ पर से पूरा डोल आश्रम दिखता है, और अब हम जाएंगे किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और सामने से देख लीजिए डोल आश्रम। अभी आज की वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अब लेता हूँ मैं आप लोगों से विदा, तब तक।